दिल्ली शराब घोटाला मामले में सात लॉबी को हैंडल करने वाले विजय नायर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया विजय नायर को नहीं जानते। विजय नायर तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, उससे मनीष सिसोदिया का कोई लेना देना नहीं है। शराब घोटाला मामले में विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है और इस घोटाले में उसके शामिल होने के सबूत भी हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में सिसोदिया का पक्ष रखा। सिंघवी ने केस से जुड़े तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने एक चार्ट रखा जिसमें सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में हुई कुल गिरफ्तारियां और सह आरोपियों को जमानत मिलने की तारीख का ब्यौरा था। ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साझेदारी के रूप में इंडो स्पिरिट कंपनी को लाइसेंस दिया गया। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि मेरे मुवक्किल का विजय नायर से कोई संबंध नहीं है, वह आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर था जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। उनको साबित करने के लिए जांच एजेंसीज के पास ठोस सबूत नहीं है। जिन बयानों के चलते मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस होने का दावा किया जा रहा है उनमें खुद विरोधाभास है। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने की चर्चाओं का जिक्र किया। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि अखबारों में हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। आज समाचार चैनल चला रहे हैं कि ईडी आम आदमी पार्टी को इस केस में आरोपी बनाना चाहती है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम अदालत में कई सवाल पूछते हैं, हम मीडिया रिपोर्ट से प्रभावित नहीं होते। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा हमसे मीडिया ने पूछा तो हमने कहा अगर सबूत है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत हमने जो सवाल पूछा था उसका आधार ये था कि सीडी को आरोपी बनाया जाए, एबी को आरोपी क्यों नहीं बनाया, ये कानूनी सवाल था जिसका जवाब हमने ईडी से मांगा। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि हमने ईडी से ये सवाल नहीं पूछा था, आप किसी को आरोपी बनाइए, हमने सिर्फ कानूनी सवाल पूछा था और वो भी ये कि अगर ए को फायदा पहुंचाया तो क्या बी या सी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही ईडी से पूछा था, वह ये बताए कि अगर आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर शराब घोटाले से फायदा हुआ और उसे पैसा मिला फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। पीठ ने पूछा कि जहां तक पीएमएलए का सवाल है आपका पूरा मामला यह है कि अपराध का पैसा एक राजनीतिक दल को गया, वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है, आप इसका जवाब कैसे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्र शिखर ने अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन से लेकर कैलाश गहलोत तक पर अब तक न जाने कितने ही आरोप लगाए और कितने ही पत्र एलजी वी के सक्सेना को भेजे, लेकिन एलजी ने सुकेश की चिट्ठियों पर गौर नहीं फरमाया। लेकिन अब एलजी वी के सक्सेना ने बड़ा एक्शन लेते हुए सुकेश चंद्र शिखर के पत्र आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिए हैं। जाहिर है गृह मंत्रालय सुकेश के आरोपों पर कार्रवाई करने के लिए किसी जांच एजेंसी को कहेगी। एलजी को लिखे पत्र में सुकेश चंद्र शिखर ने दावा किया कि उनके वकील को धमकी भरे फोन आते हैं। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने ठग सुकेश चंद्र शिखर द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ की गई शिकायत को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। सुकेश ने 8 जुलाई को अपने वकील के माध्यम से उपराज्यपाल को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के नेता ये दबाव बना रहे हैं कि उनके खिलाफ दिए गए बयानों को वापस ले लें, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। वकील अनंत मलिक को धमकी भरे फोन करने वाले की पहचान दिनेश मुखिया के रूप में हुई है। वह ये भी धमकी दे रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ बयान वापस नहीं लिया तो उसके खाने में जहर मिला दिया जाएगा। उपराज्यपाल को अपने वकील द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र में सुकेश ने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें मंडोली जेल से दिल्ली से बाहर किसी और जेल में भेज दिया जाए जो आम आदमी पार्टी के नियंत्रण में न हो। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजा था और इसके जवाब में दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने सिफारिश की कि इस पूरे मामले को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेज दिया जाए। अपने पत्र में सुकेश ने यह भी लिखा कि जब तक उन व्यक्तियों के खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा प्रशासित दिल्ली की जेलों से किसी अन्य राज्य की जेल में स्थानांतरण किया जाए जो केजरीवाल सरकार के अधीन नहीं है।
सुकेश ने दिल्ली जेल नियम का हवाला दिया जो कैदियों को विशेष आधार या कारणों पर उनके गृह राज्य या किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में हाई प्रोफाइल कैदियों और विचाराधीन कैदियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सुकेश ने अपने पत्र में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा प्रशासित दिल्ली की जेलों से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह अनुरोध उन व्यक्तियों के खिलाफ जांच पूरी होने तक किया था जिनका उन्होंने पर्दाफाश किया था, और इसके पहले अनंत मलिक ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक शिकायत भेजी थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 1 जुलाई को एक नंबर से कॉल आया जिसमें फोन करने वाले ने उन्हें धमकियां दी और साथ ही उनसे केजरीवाल और जैन के खिलाफ दर्ज कराई गई सभी शिकायतों को वापस लिए जाने के लिए सुकेश से बात करने के लिए कहा। मलिक ने आरोप लगाया था कि कॉल करने वाले ने यह कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो अधो हस्ताक्षर करता और सुकेश दोनों ही को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एडिशनल सॉलिसिटर SV राजू से कानूनी सवाल पूछा था कि जब शराब घोटाले का माल आम आदमी पार्टी को मिला तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया। इस सवाल के मायने जब आम आदमी पार्टी को समझ में आए तो उसके तोते उड़ गए। ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं और संजय सिंह की गिरफ्तारी और ताजा सबूतों के आधार पर आम आदमी पार्टी को शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। इसकी भनक लगते ही आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी तो कोर्ट में ही उलझ बैठे। अभिषेक मनु सिंघवी अदालत से उलझते दिखे। उन्होंने खबरों का हवाला देते हुए कहा कि अखबारों की सुर्खियों में लिखा है कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा। इस पर अदालत ने कहा कि मैंने ये सवाल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा था, आपसे नहीं। सिंघवी ने इसके जवाब में कहा कि सभी चैनल्स पर ये खबर चल रही है कि ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों में हम सवाल पूछते हैं, हमें जवाब चाहिए, हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते, मैंने भी सुर्खियों को देखा है। सिंघवी ने इसके बाद कोर्ट से कहा, लेकिन अब वे आपके सवाल के आधार पर आरोपी बना रहे हैं, हर चैनल पर चला रहे हैं, आपको आरोपी बनाया जाएगा। असल में किसी भी राजनीतिक दल को आरोपी के तौर पर उसी तरह से शामिल किया जा सकता है जैसे एक निजी कंपनी को किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल एक लीगल एंटिटी है। पार्टी के आरोपी बनाए जाने पर उसकी कोर कमेटी के सदस्य जांच के दायरे में आ जाएंगे जो विधानमंडल या कैबिनेट मंत्रियों से अलग होते हैं। ईडी की जांच का दायरा बढ़ जाएगा, पार्टी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। ईडी का कहना है कि घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी को भी हुआ और जाहिर है कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल भी मामले में फंस जाएंगे। इस मामले में बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मामले में एक अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिए हैं। मामले में पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के पीछे ईडी की दलील है कि इस घोटाले से पूरी पार्टी को फायदा हुआ है। सूत्रों ने कहा कि आरोपी से सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने जानकारी दी कि उनके और संजय सिंह के बीच लेनदेन हुआ। अरोड़ा ने संजय सिंह को करोड़ों रुपए दिए। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच लेनदेन को साबित किया। सरकारी गवाह बन चुके अरोड़ा ने संजय सिंह को करोड़ों रुपए दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह के गिरफ्तार होते ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली। विपक्षी गठबंधन में साथ साथ होने की वजह से कांग्रेस ने केजरीवाल के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह उसे और कुरेद दिया। मतलब साफ है कि संजय सिंह के शराब घोटाला मामले में पकड़े जाने के बाद केजरीवाल के साथ कांग्रेस की दोस्ती का अध्याय भी खत्म हो गया। यही वजह है कि दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने अरविंद केजरीवाल को ड्रामेबाज बता दिया। दीपक बाबरिया ने कहा कि मोदी केजरीवाल दोनों ड्रामेबाजी में एक्सपर्ट हैं। कहीं दोनों की नूरा कुश्ती तो नहीं, या दोनों ने मिलकर साजिश तो नहीं की। दिल्ली कांग्रेस के अरविंदर लवली ने कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिले। संजय सिंह की गिरफ्तारी विपक्षी गठबंधन के कुछ चुटबैया टाइप नेताओं के ही बयान सामने आए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। माना जा रहा है कि इसके पीछे पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी है और कांग्रेस की तरफ से नाराजगी जताए जाने के बाद तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये एक्शन उसी सिलसिले में है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का तो है और इसमें भी कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब जैसे को तैसा। बुधवार को जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तब कुछ कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी को समर्थन देने आ गए थे, लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। सचदेवा ने कहा था कि आखिर उन कांग्रेस के नेताओं का क्या होगा जो लगातार आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं।
उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत हो गई है। आखिर वे जाएं तो जाएं कहां। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस दिल्ली की तरफ से आए बयान के बाद दिल्ली की सियासत में घमासान मचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और 10 दिन के रिमांड की मांग की। रिमांड पर मांगे जाने का संजय सिंह के वकील ने विरोध किया और गिरफ्तारी को अवैध बताया। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि मामले में 2 करोड़ का लेन देन है। संजय सिंह के कर्मचारी सर्वेश मिश्रा ने भी लेन देन की बात कबूल की। दिनेश अरोड़ा, जो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्होंने फोन पर संजय सिंह से पैसे मिलने की बात कंफर्म की थी। इसके बाद ईडी ने कहा कि हमें 10 दिन की रिमांड चाहिए। ईडी ने कहा कि 3 और लोग हैं जिन्हें एग्जामिन करना है और उनका संजय सिंह से आमना सामना करना है। संजय सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने रिमांड की अर्जी का विरोध किया। संजय सिंह के वकील ने कहा कि इंटरोगेशन में गिरफ्तारी कहां होती है। इससे पहले ईडी ने कोर्ट से 7 दिन के रिमांड की मांग की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने कहा कि उसने संजय सिंह को करोड़ों रुपए दिए हैं और ईडी ने दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच लेन देन को साबित किया। लेकिन बड़ी होशियारी से पहले वकील और फिर खुद संजय सिंह सरकारी गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे, जिसे ईडी के वकील ने भांप लिया। सुनवाई के दौरान जब दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, तभी बीच में संजय सिंह ने ईडी को लेकर खुद कोर्ट से कहा, देखिए सर, ये तब से हमारे साथ खेल रहे हैं। संजय सिंह ने आगे कहा, मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे सख्त से सख्त सजा दीजिए। ईडी की दलीलों को सुनने के बाद संजय सिंह ने कोर्ट से कहा कि अमित अरोड़ा उनके पास था, दिनेश अरोड़ा इनके पास था। ईडी के सामने दोनों ने कई बार बयान दिया, लेकिन संजय सिंह का नाम कभी सामने नहीं आया। अब अचानक से मेरा नाम कहां से आया? ऐसा क्या हुआ? मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि मैंने कोई गुनाह किया है तो सख्त से सख्त सजा दीजिए। मेरे लिए अलग कानून सर। अंतिम बात, विजय सिंह का अजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मुझे एक बार भी समन क्यों नहीं किया गया। संजय सिंह ने जज से कहा कि आप न्याय की कुर्सी पर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। असल में ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 बार आया था, जिसमें एक बार गलती से आया था। ये बात संजय सिंह पहले भी बता चुके हैं, हालांकि उनके बताने से पहले ही ईडी ने गलती को सुधार लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सीएम की कुर्सी के लिए आरजेडी को 1 दर्जन से भी कम विधायकों की जरूरत है, और जिस तरह से जेडीयू में हताशा का माहौल है, वैसे में आरजेडी चाहे तो आसानी से उनके विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि ललन सिंह को आरजेडी ने यही काम सौंपा है। वजह ये कि आरजेडी को नीतीश कुमार के साथ रहने पर कोई खास लाभ होता नहीं दिख रहा। नीतीश की छवि अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए आरजेडी भी नीतीश से पिंड छुड़ाने की कोशिश में है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने हड़बड़ी में जातिगत सर्वे कराया और आनंद फानन में उसके आंकड़े जारी किए। उससे अब लगने लगा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले होंगे। कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण का प्रस्ताव भी नीतीश ने पास करा लिया। ये भी उनका एक चुनावी कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने इस साल जून में हाल ही में कहा था कि चुनाव समय से पहले कभी भी हो सकता है, इसलिए सरकारी योजनाओं का काम तेजी से पूरा हो जाना चाहिए। तभी से चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश को भाजपा की चाल की भनक लग गई है। अब नीतीश कुमार को ललन सिंह की आरजेडी के प्रति हमदर्दी काफी खटकने लगी है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इससे काफी खफा हैं। आरजेडी ने जेडीयू को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का टास्क ललन सिंह को दे दिया है। यही वजह है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह के विवाद में नीतीश ने चुप्पी साध ली। जेडीयू छोड़कर नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने से नीतीश पहले से ही परेशान हैं। अब वे और जोखिम लेने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए अपनी पार्टी को बचाने के लिए वे किसी भी वक्त महागठबंधन छोड़ सकते हैं। भाजपा से इन दिनों उनकी नजदीकी बढ़ती जा रही है, और इसी कड़ी में देखा जा रहा है नीतीश कुमार के सामने 2 विकल्प हैं। पहला ये कि वे महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी करें, इससे 2025 तक उन्हें राज करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा ये कि वे विधानसभा भंग कर दें और चुनाव की प्रतीक्षा करें, चुनाव होने तक वे केयरटेकर के तौर पर काम करते रहें। ऐसे में इस बात की भी संभावना बनेगी कि नीतीश के विधानसभा भंग होते ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, और इन सब के बावजूद नीतीश जेडीयू को सुरक्षित रख भी पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार को अपना और अपनी पार्टी का वजूद बचाना है। जेडीयू पर सभी दलों की चौतरफा नजर है। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।
अगर नीतीश को मनमाफिक सीटें मिली तो इन तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा, नहीं तो नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकेंगे नहीं। अगर उनकी राह में बाधा आई तो वो सबसे पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव का रास्ता काटने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।